चीन से दुनिया में फैले कोरोना वायरस ने जितनी जाने ली उससे कहीं ज्यादा कोरोना का डर खाया जा रहा है। घर से अस्पताल के बीच के इसी डर को दूर करने के लिए सेवा भारती ने राजधानी के कई हिस्सों में शुरू किए हैं कोविड केयर सेंटर या कोविड आइसोलेशन सेंटर। एक बहुत गलत धारणा सबके दिमाग में बैठ गई है कि जहां 93-94 ऑक्सीजन आ जा रही है कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, घबराहट हो रही है। घबराहट इज साइकोलॉजिकल। एज सच हमारी जो एयर में ऑक्सीजन है अगर 93-94 भी चल रही है, अगर हमारा एक्सरे ठीक है, हमारा सीटी चेस्ट ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जो माइल्ड और मॉडरेट हैं उनके लिए संपूर्ण रूप से साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो कहीं भी हॉस्पिटल में है वो यहाँ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी, डॉक्टर की फैसिलिटीज़ मिलेगी। लाजपत नगर के ऐसे ही सेंटर का जिम्मा उठाया है अपोलो अस्पताल की रोबोटिक सर्जन डॉक्टर कल्पना नागपाल ने। हम खासकर केसेस को स्क्रीन करना चाहते हैं, क्योंकि ये फील्ड हॉस्पिटल है और कोई टर्शरी केयर सेंटर नहीं है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं ले सकते हैं, बहुत क्रिटिकल नहीं ले सकते हैं, इसीलिए माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस लेंगे। हम लोग दोनों डॉक्टर्स मिलकर जाँच करेंगे। हमने निवेदन किया सेवा भारती ने कि हम आपका विद्यालय कोविड हेल्थ सेंटर के नाम से चलाना चाहते हैं। उसके बाद में अपोलो की हॉस्पिटल्स में बात की गई, उनके डॉक्टर्स तैयार हो गए। बाहरी दिल्ली के नरेला में सेवा भारती ने लाला दीपचंद मेमोरियल चैरिटेबल अस्पताल को भी आइसोलेशन सेंटर बनाया है। यहाँ मरीजों के लिए बेड, भोजन, दवाएं, काढ़ा, निबलाइजर केयर समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं। संकट के समय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए लोग किस तरह तन मन धन से लगे हैं, इसे सेवा भारती के इन आइसोलेशन सेंटर में प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया जा सकता है।